नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू का ऐलान, अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य, ठियोग में ब्लड बैंक बनाने की मंजूरी। शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने पर दर्ज होगी FIR, सीएम ने दिखाई सख्ती। राजेंद्र राणा बोले, दिल्ली से मंत्री की सूची में नाम बताया, बीच में कहां गायब हुआ जानकारी नहीं। हिमाचल में निवेश के नाम पर फिर धोखाधड़ी, करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चंपत हुई कंपनी, केस दर्ज। शिमला में हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, बाल बाल बची दर्जन यात्रियों की जान। टूरिस्टों का हिमाचल में स्टंट, नदी में चलाई थार, पुलिस ने 3,500 का चालान काटा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले सेब सीजन से बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन मिलेगा। यह बात उन्होंने मंगलवार को ठियोग के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने सरकारी उपक्रम HPMC के निर्देश दिए कि CA स्टोर और मंडी में सड़क का शेष काम जून 2024 तक पूरा किया जाएगा। पराला से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ठियोग के पोटेटो ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिमला जिला से आए 2600 आपदा प्रभावितों को 23 करोड़ की राहत राशि बांटी। ठियोग अस्पताल में सीएम ने ब्लड बैंक खोलने का ऐलान भी किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि सीएम ने हाल ही में असामाजिक तत्वों पर तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्हें मंत्री बनाने की पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन बीच में नाम कहां गायब हुआ जानकारी नहीं है। खुद सीएम सुक्खू ने भी भरोसा दिलाया था, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और राणा सभी कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी संगठन को दिल्ली बुलाया है। सुक्खू मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार में जगह नहीं मिलने की कसक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा की जुबा से निकल ही पड़ी। पार्टी के हर चुनाव में मैंने रिजल्ट दिए हैं, यदि मेरे कर्म में कोई कमी रही होगी तो उसे अवश्य दूर करूंगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। शिमला के रामपुर के डकोल्ड में चलाई जा रही एक और फाइनेंस कंपनी के चंपत होने का मामला सामने आया है। ये कंपनी बीते 5 साल से रामपुर में चल रही थी, लेकिन पिछले 8-9 महीनों से कंपनी के कर्मचारियों ने ना तो किसी के पैसे लौटाए और ना ही कर्मचारी दोबारा बाजार में पैसा लेने आए। निवेशकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर थाना में कई बार इस संबंध में पहले भी शिकायतें की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। काफी समय तक डकोल्ड स्थित कंपनी के कार्यालय में कर्मचारी काम कर रहे थे। राजधानी शिमला में आज सुबह सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक प्राइवेट बस दुर्घटना का शिकार हो गई। शिमला में टूटीकंडी बस स्टैंड के करीब एक निजी बस अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी है। गनीमत रही कि बस में सवार एक दर्जन यात्री बाल बाल बच गए। यह दुर्घटना शिमला कालका नेशनल हाईवे पर MLA क्रॉसिंग के पास हुई। स्थानीय रूट की निजी बस मोड़ पर सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में बिना पलटे खाए खाई में गिर गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी में थार गाड़ी उतारकर हुड़दंग मचाने वाले पर्यटकों का पुलिस ने चालान कर दिया है। दिल्ली नंबर की थार गाड़ी में पर्यटक जान जोखिम में डालकर चंद्रभागा नदी में गाड़ी उतार दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। SP लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि वीडियो में गाड़ी का नंबर नजर नहीं आ रहा था। CCTV कैमरा खंगालने के बाद गाड़ी नंबर ट्रेस किया गया है। उन्होंने बताया कि थार का MB एक्ट के तहत 3500 रुपए का चालान ऑनलाइन किया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।